नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पाली में 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता 19 वर्ष छात्र का शुभारंभ चंडावल में पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य और जिला शिक्षा अधिकारी राहुल कुमार राजपुरोहित की अध्यक्षता में शुरू हुआ। चंडावल के आलिशान क्रीड़ा प्रांगण में खेल मैदान में पूरे प्रदेश के हर जिले से पहुंची 40 टीमें प्रतियोगिता के लिए पहुंची। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 200 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए। आयोजक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडावल के संयोजक और प्रधानाचार्य श्रवण परिहार ने बताया कि पहली बार राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहा है, जिसको लेकर संपूर्ण ग्रामवासी उत्साहित है और हर तरह से विद्यालय का सहयोग कर प्रतियोगिता को सफल बनाने की कोशिश में लगे हैं। मुख्य अतिथि आर्य ने कहा कि हॉकी हर राष्ट्रीय खेल है, इसे हमें गर्व के साथ ईमानदारी से खेलना चाहिए। पहले और अब के हॉकी खेल में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अब हमें दिमाग के साथ रणनीति बनाकर हॉकी को खेलना होता है। हॉकी में हमारे देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, जिसे हमें आगे ले जाना है। SDM गोपाल जांगीर ने बताया कि खेल प्रतियोगिता में फेयर गेम का भी पुरस्कार होता है। जो टीम ईमानदारी से खेल खेले उसे ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी लोक कला मंडल के कलाकारों द्वारा केसरिया बालम और वो महाराणा प्रताप कठे के गानों से की गई है। फिर काल बेलिया नृत्य और स्थानीय बालिकाओं द्वारा राजस्थानी गानों पर प्रस्तुत देकर मन मोह लिया। कार्यक्रम में सबसे आकर्षक चंद्रास पब्लिक स्कूल सोजत रोड के बैंड रहा, जिसकी प्रस्तुति ने सभी दर्शकों और अतिथियों का मन मोह लिया। के बाद में सम्मानित किया गया। सभी टीम द्वारा सामूहिक परेड के साथ शपथ लेकर ध्वजारोहण के साथ खेल कुंभ का आगाज किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों और भामाशाहों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया और व्यापार मंडल चंडावल नगर द्वारा सभी के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध की गई। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सलाहकार निरंजन आर्य, DEO राहुल राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीर, सरपंच घेवर चंद भाटिया, उदेशी कुआ सरपंच सतपाल गुर्जर, बासना सरपंच ताराराम सीरवी,
समाज सेवी राजेंद्र लहर, जिला परिषद सदस्य कालूराम कंडारा, भामाशाह रामनिवास कुलकधानिया, पंचायत समिति सदस्य दुर्गा परमार, उप सरपंच अशोक सिंह केशावत, मानवाधिकार परिषद अध्यक्ष महेंद्र हिंदूराज, प्रताप सिंह राजपुरोहित, सानिया सरपंच मानक चंद सिलोड़ा, डायाराम सीरवी कोऑपरेटिव अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौधरी, जीवन देवासी, गणेश जी देवासी, चंद्रेश सोनी, शंकर देवासी, सरोज परमार, आनंद परमार, युगांधर मालवीय, मनीष देवड़ा, शिक्षक किरण कुमार, कमलेश शर्मा, पुखराज माली, शोभा त्रिवेदी, प्रकाश वैष्णव, राजेंद्र परिहार, जितेंद्र त्रिवेदी, प्रीतम सारण, घनी मोहम्मद, हीरालाल जाट, बबलू व्यास सहित सैकड़ों ग्रामीण और शिक्षक उपस्थित रहे। जुड़े हुए हैं प्राचार्य जी, इस अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आज परेड का भी काफी अच्छा निरूपण हुआ, सभी टीमों ने बहुत ही अच्छे अनुशासित तरीके से अच्छी सी परेड करी, इसीलिए सभी खिलाड़ी साथियों को भी बहुत बहुत मुबारक। हमने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अच्छे हुए। किधर गए ढाका जी, किधर गए? निकल, आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में इसकी तैयारियां होती हैं। जब नोटिफिकेशन आता जिला शिक्षा अधिकारी या निदेशालय के यहाँ से, तो प्राचार्य जी या हेडमास्टर साहब जो भी हैं वो शारीरिक शिक्षक को बुला के बात करते हैं कि ये आ गया है, अगले टूर्नामेंट वहां होने वाले हैं। और उस दिन से ही उस पीटीआई साहब के या जो इंचार्ज है उनके और जो बच्चे खेलने वाले हैं, साल पहले हो गया था, 4000 साल पहले मानव ने मानव मानव के बीच में प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में हुई, जिसको समानता स्थिति कहते हैं। उससे पहले लड़ाई होती थी, कबीले लड़ते थे, ठोकते थे, पीटते थे, राज करते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद खेल में हार जीत को स्वीकार करना, अगला कोई जीत गया तो उसकी जीत को स्वीकार करना, ये जो बात हुई लगभग 4000 साल पहले खेल नाम की चीज आई। हॉकी का इतिहास भी मुझे लगता है लगभग 1550 या ऐसा इतना साल हो गया जब हॉकी ईजाद हुई, प्रारंभिक तरीके से हॉकी खेली गई, धीरे 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 करते सारी बड़ी। भारत में कहते हैं कि हॉकी 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश एम्पायर होते थे उस समय भारत में हॉकी प्रारंभ हुई। आप सोचिए कि ब्रिटिश एम्पायर ने भारत को हॉकी खेलना सिखाया या हॉकी गेम प्रारंभ किया, लेकिन बाद में हमारे खिलाड़ियों ने ही उनकी टीमों को पराजित। धन्यवाद करता हूं कि आप सब पधारे और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न किया। मैं ग्राम की तरफ से माननीय आर्य साहब का पुरजोर शब्दों में अभिनंदन करता हुआ ये जरूर करता हूं कि जो भी आज इस खेल आयाम में देख रहे हैं वो सब श्रीमान आर्य साहब की प्रेरणा है कि बाटिया तुमको 2022 का इस खेल कूद में ही ये बजट आवंटन करना है, इसका पूरे मार्गदर्शक और पूरी प्रेरणा आप सब की रहे। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय समय पर प्रेरणा दी। मौजूद है जो कि यहाँ पे पहुंचे हैं राज्य स्तरीय 66वीं हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने। हम इसे जानते हैं चूंकि राजस्थान खेलों को लेकर सरकार है जो वो काफी गंभीर नजर है, तो इनसे पूछते हैं कि आगे के लिए क्या योजना है जो सरकार की है। राजस्थान सरकार ने पहली बार खेल जो मेडल प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को मिलने वाली जो राशि थी वो करोड़ों में कर दी है। अब इस समय हिंदुस्तान में सर्वाधिक राशि अगर खिलाड़ियों को मिलती है तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू जो पदक प्राप्त करते हैं एक स्तर से जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर आप मेडल जीत के आते हो तो आपको डायरेक्ट नौकरी मिल रही है। आरपीएस में जा रहे हैं लोग, आरएफएस में जा रहे हैं लोग, आउट ऑफ टर्न। मैं एक बार केरल में गया था वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में, तो वहाँ पे राजस्थान वर्सेस बंगाल या फाइनल चल रहा था, उसमें राजस्थान का कैप्टन था लोमित कटारिया, वो उस समय वहाँ खेल रहा था, मैंने उसको खेलते हुए देखा। ये बात है कोई 7-8 साल पहले की। अभी मैं एक दिन मेरे कार्यालय में बैठा था, मेरे पास एक पर्ची आई लोमित कटारिया, तो मैंने सोचा भारत का कैप्टन भी रहा हुआ, तो मैंने सोचा कोई खिलाड़ी आ रहा, भारत का कैप्टन आ रहा, तो मैंने कहा जल्दी बुलाओ।
अंदर आया तो एक पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी आया और मेरे को सैल्यूट करी कि साहब मैं लोमित कटारी हूँ, सरकार ने मेरे को आरपीएस की नौकरी दी। इससे बड़ा काम और कोई हो ही नहीं सकता। वैसे देखे तो ग्रामीण जो ओलंपिक खेल शुरू किए वो भी अगर जनता में देखे तो अद्भुत कार्यक्रम है। 30 लाख लोग खेले, बड़े बुड्ढे नाना ताऊ मामा भाभी खाली सब खेले, महिलाएं खेले, पुरुष खेले, गांव के खेले, शहर के खेले, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। और उसमें से 10 लाख है जो मतलब महिलाएं थी। अब आप सोचिए 30 लाख में से 10 लाख महिलाएं कबड्डी खेल रही है, खो खो खेल रही है, तो ये एक अद्भुत क्रांति हुई है खेलों की। एक हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर सरकार तक हमारी बात पहुँचे तो ग्रामीण लेवल में है जो खेलों की सामग्री को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही है उसको लेकर कुछ योजना ऐसी बने कि वो उसका जो फंड है वो पूर्ण रूप से पहुँचे। इसमें दो बात है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें सामग्री की जरूरत है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें सामग्री की जरूरत नहीं है। कबड्डी में जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, खो खो में जरूरत नहीं है, एथलेटिक्स में जरूरत नहीं है, हॉकी जैसा महंगा, वॉलीबॉल में भी ज्यादा जरूरत नहीं, हॉकी से भी ज्यादा महंगे जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन है वो शटल का बहुत पैसा लगता है, टेबल टेनिस है टेबल लानी पड़ती है, क्रिकेट में भी थोड़ा बहुत खर्चा है, हॉकी में तो ठीक है स्टिक और बॉल चाहिए, बट सरकार पूरा ध्यान रख रही है, खेलों के स्टेडियम बन रहे हैं जगह जगह, आपको पता है हमने यहाँ काफी स्टेडियम बना दिए हैं। तो ये पहली बार राजस्थान में वर्तमान सरकार ने खेल क्रांति और खेलों पर प्राथमिकता देके खेल का माहौल राज्य में बनाया, इसका बहुत लंबा असर पड़ेगा और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ राजस्थान के खेलों का भविष्य बहुत उज्ज्वल और मजबूत होगा। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्यमंत्री सलाहकार निरंजन आर्य जो यहाँ पर राज्य स्तरीय 66वीं छात्र वर्ग हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुँचे थे, और कैमरामैन गोपाल दास।